दोस्तों, मेरी चैनल अब तक सब्सक्राइब ना की हो तो इस बटन का यूज कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ये जो बगल में घंटी का निशान है उसमें घंटी दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि जो मेरे सभी नोटिफिकेशन है, जो भी मैं नए अपलोड्स करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। आज के जो सेशन में हम UFI बॉक्स का लेसन नंबर 1, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि UFI बॉक्स के साथ क्या क्या चीजें आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UFI बॉक्स के साथ EMMC एडेप्टर आता है इस टाइप का। ऐसे दो टाइप के EMMC एडेप्टर्स आते हैं। UFI बॉक्स आता है जिससे कि हम EMMC प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और EMMC ISP की भी प्रोग्रामिंग हम इसी बॉक्स से कर सकते हैं। एक EMMC के लिए डोंगल आता है, जो कि डायरेक्टली हम ये जो एडेप्टर्स हैं इसमें लगाकर पीसी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं EMMC की। डायरेक्ट मतलब हम बॉल आईसी जो होती है, नैंड फ्लैश EMMC आईसी, उसे इस एडेप्टर में लगाकर डायरेक्टली फ्लैश कर सकते हैं। ये सब चीजें आती है। इसके साथ एक डेटा केबल मिलेगा आपको, और साथ में एक पावर केबल मिलेगा जो कि आप पीसी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं UFI बॉक्स के साथ। ठीक है, ये कि 5 वोल्ट की सप्लाई के लिए होता है। ये बॉक्स के साथ एक और एडेप्टर आता है जिसमें EMMC ISP की फैसिलिटी है। इसमें किस तरह से ये पूरा सेटअप काम करता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगले सेशन में, कि किस तरह से हम ये सभी एडेप्टर्स का यूज करके EMMC IC को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इसकी EMMC हम जो फर्मवेयर है उसे अपडेट कर सकते हैं। वो सारी चीजें इसी चीज से हम कर सकते हैं। यहाँ पर EMMC ISP के लिए ये एडेप्टर आता है साथ में, जिसमें हम वायरिंग करके ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं EMMC की। ये जो एडेप्टर है उनमें से एक एडेप्टर का मैंने क्लोज व्यू बताया हुआ है, जिसमें 153 FBGA IC यूज की हुई है, जो कि हम टीवी में नॉर्मली ये वाले जो एडेप्टर है इसको यूज करके EMMC IC को प्रोग्राम कर सकते हैं डायरेक्टली। मतलब हम इस एडेप्टर में फिट करेंगे IC निकाल कर और EMMC प्रोग्रामिंग करेंगे। मैं आपको आज के जो इसमें लेसन नंबर 1 में सिर्फ ये बताऊंगा कि किस तरह से पिन कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर जो आपको फ्लैश IC की प्रोग्राम करनी हो, दैट मीन्स अगर जो आपको फ्लैश IC प्रोग्राम करनी हो ISP से, मतलब ऑनलाइन, तो किस तरह से आपकी ये वायरिंग होगी, ये यहाँ पर मैंने पिन नंबर्स लिख रखे हैं। वो सभी फ्लैश IC की पिन नंबर है, और ये कहाँ कनेक्ट होगा ISP एडेप्टर में, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। और इसके अलावा दूसरा, मतलब टोटल 6 पॉइंट्स लगेंगे, जिसमें मैंने 2 पार्टीशंस में बनाए हैं ये। इसमें एक में जो टॉप व्यू होता है, ये जो ISP एडेप्टर होता है, इसमें हम वायरिंग कहाँ कहाँ करेंगे उसके बारे में है। पिन नंबर 6 हमारी यहाँ कनेक्ट होगी, पिन नंबर 2 यहाँ पर, और फ्लैश IC की पिन नंबर 4 जो कि ग्राउंड पिन होती है वो यहाँ कनेक्ट होगी। पिन नंबर 8 जो कि VCC पिन है, ये ISP एडेप्टर की बैक साइड में फर्स्ट पिन पे होगा। CS मतलब चिप सिलेक्ट पिन जो है, पिन नंबर 1 फ्लैश IC की, वो यहाँ पर हमें वायरिंग करनी है। और पिन नंबर 5 सीरियल इनपुट आउटपुट 0, वो हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। ये सभी वायरिंग करके हम ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब ISP प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें हम जो टूल्स यूज करेंगे, जो अभी मैंने वायरिंग बताई उसके लिए, वो है UFI चिप प्रोग्रामिंग। इससे हम चिप को प्रोग्राम कर सकते हैं। UFI बॉक्स जो है उसमें हम टूल बॉक्स का यूज करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज करेंगे वो ये है, और UFI एंड्रॉयड टूल बॉक्स, ये हम डायरेक्टली USB केबल के थ्रू, मतलब डेटा केबल के थ्रू प्रोग्रामिंग करने के लिए। ऐसे 3 एप्लीकेशंस मिलेंगे आपको। ये टूल बॉक्स की किस तरह से हम सभी चीज इंस्टॉल करेंगे, इसके ऊपर मेरा लेसन नंबर 2 में आएगा। अभी ये लेसन में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, यहाँ पर लाइक बटन है, लाइक दबाने से लाइक हो जाएगा ये वीडियो। और शेयर करना चाहते हैं ये वीडियो को तो शेयर दबा के कॉपी कर दीजिए, और सोशल मीडियम के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिले।
दोस्तों मेरी चैनल अब तक सब्सक्राइब ना की हो तो इस बटन का यूज कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ये जो बगल में घंटी का निशान है उसमें घंटी दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि जो मेरे सभी नोटिफिकेशन है, जो भी मैं नए अपलोड्स करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय।